वेलकम टू CG007 आर्टिस्टो स्टाइल चैनल। आज हम इस आर्ट व्लॉग में बनाने वाले हैं गणेश जी के लिए सिंहासन। उसके लिए आपको इस चौकोर गत्ते की आवश्यकता होगी। इनको लेयर के रूप में जोड़ देना है फेविकॉल से। इन सामग्रियों को आपको इकट्ठा कर लेना है। चौकोर गत्ते की लेयर को हमने एक के ऊपर एक जोड़ा था, तो एक तरह से सिंहासन का वो बेस बन गया था। उसके बाद हम पाए बनाने के लिए इन छोटे छोटे पीसेस को, जो गत्ते के मैंने काटे हैं यहाँ पर, उनको आपस में तीन तीन को जोड़कर एक एक पाया बनाएंगे दोनों तरफ। तो सिंहासन का बेस तैयार है इस तरह। दो चौकोर गत्ते के टुकड़ों को काट लिया है और यूं साइड में लगा देंगे इस तरह। अच्छी तरह मेजर करके सिंहासन के पीछे के हिस्से को भी इस तरह बना दिया गया है और हम लगा के देख लेंगे। इसी प्रकार फिनिशिंग अच्छी रहे इसलिए आगे का जो हिस्सा है उस पर भी एक गत्ते का टुकड़ा काट कर इस प्रकार मेजर करके लगा देंगे। हमारे सिंहासन का बेस मॉडल इस प्रकार तैयार है। अब सिंहासन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, जिसके लिए आपको इन सामग्री की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं वाटर है, इसमें फेविकॉल मिक्स करेंगे। फेविकॉल कुछ ज्यादा ही गाढ़ा हो गया है, निकलना ही नहीं चाह रहा। के वीडियो में हम बस इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम इस पर कलर करेंगे और इसको डेकोरेट करेंगे। तो आप वो वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।